सिंगरौली में रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं विवेचक को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा अधिनियम के बारे में बताया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर द्वारा अधिनियम में विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया। जुनाइल जस्टिस एक्ट के नवीन प्रावधानों के संबंध में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें सिंगरौली जिले के जितने भी पुलिस के थाने हैं सभी थानों में जुवेनाइल जस्टिस के प्रावधानों का पालन करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाने में एक ASI रैंक के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। नवीन प्रावधानों से अवगत कराने के लिए उनको आज यहाँ बुलाया गया था अपने पुलिस कार्यालय में, और इसमें भिन्न भिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा जो है इनको पूरे दिन सभी विषय वस्तु के अवगत कराया गया है, जिसमें हमारे एडिशनल SP, हमारे DPO, हमारे जो CWC होती है, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी होती है, उसके सारे पदाधिकारी थे। सभी थानों से जो अधिकारी आए हुए थे वो थे, और हमारे DSP महिला प्रकोष्ठ और DSP चंद्रशेखर, ये सारे लोग जो है यहाँ पर उपस्थित थे। पूरे दिन कार्यशाला चली। मैं समझता हूँ कि इस कार्यशाला से निश्चित रूप से जो हमारे थाने के अधिकारी हैं उनको उनके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और आने वाले समय में वो इसका उपयोग करके जो JJ एक्ट की भावना है उसके अनुसार काम कर पाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।